नमस्कार, जनगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिनभर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। दौसा जिले के मीणा हाईकोर्ट में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। क्षेत्र में भारी बारिश होने के बावजूद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी दोपहर करीब 1 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्हें टिटोली टोल प्लाजा से बैलगाड़ी के माध्यम से कार्यक्रम में लाया गया। भारतीय युवा कांग्रेस के 64वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर युवा कांग्रेस का ध्वजारोहण किया गया। वहीं सफाई कर्मचारियों का सम्मान और वृक्षारोपण भी किया गया। इस मौके पर राजस्थान युवा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष यशवीर सूरा, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी अबरार खान, प्रदेश महासचिव राहुल यादव, करतार सिंह गुर्जर, वरिष्ठ प्रदेश सचिव जयपुर जिला प्रभारी प्रकाश मीणा, प्रदेश सचिव रवि कुमार सिकदार मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा में वास्तु दोष एक बार फिर से चर्चा का विषय बनता जा रहा है। इसी को लेकर पंडित मुकेश भारद्वाज ने कहा कि इस विधानसभा में प्रवेश पूर्व दिशा की ओर से होना चाहिए और पश्चिम की ओर से प्रवेश नहीं होना चाहिए। अब तक विधानसभा में 200 विधायक कभी एक साथ उपस्थित नहीं रहे। राजस्थान की राजधानी जयपुर से इस वक्त चोरी की एक बड़ी खबर सामने आई है। चोरी जयपुर के फेमस होटल हयात में हुई है। मामले में पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जयपुर के मुहाना थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार होटल हयात में 1,44,00,000 रुपए की संपत्ति की चोरी हुई है। चोरी की इस बड़ी घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। होटल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। भाजपा नेता ज्योति मिर्जा ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राजस्थान की राज्यसभा की 1 सीट के चुनाव और 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जारी सियासी तस्वीर के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा से लेकर जनता के बीच लगातार भजनलाल को घेर रहे हैं। गुरुवार को अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां जहां पीएम मोदी ने उद्घाटन किया वहां का बंटाधार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 9 अगस्त को नीट पीजी परीक्षा 2024 को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। ये फैसला पीजीआई की बेंच ने दिया है। बेंच नीट पीजी 2024 परीक्षा को स्थगित करने वाली मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के लिए आज से आवेदन शुरू कर दिए हैं। इस परीक्षा का आयोजन 21, 22, 25 और 26 अक्टूबर को किया जाएगा। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। संसद में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए। जया बच्चन ने कहा कि मैं एक कलाकार हूं और बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, और उन्होंने कहा कि मुझे माफ करिएगा लेकिन आपकी जो टोन है वो ठीक नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है। जया बच्चन की टिप्पणी पर सभापति भड़क गए। राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। आबकारी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और खुद सिसोदिया के घर पर खुशी का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आप नेता मनीष के आवास पर मिठाइयां बांटी जा रही है। परिवार के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू नजर आ रहे हैं। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। नमस्कार।